हेलो एवरीवन आई एम मोनिका टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर दिस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजन लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ माउंटेन्स प्लेट्यूज आई हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस इज प्लेन्स अब मैंने प्लेन्स में आपको क्या बताया था प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं प्लेन्स का मतलब होता है मैदान ओके okay, तो प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं जो सेडिमेंट्स होते हैं जो नदी बहा के लेके आती है मतलब जो मतलब पदार्थ बोल सकते हो आप उसको ठीक है सेडिमेंट्स जो नदी बहा के लाती है उससे क्या फॉर्म होता है प्लेन्स फॉर्म होता है ठीक है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको ठीक अब ये क्या होते हैं टू हंड्रेड मीटर द सी लेवल अब द मीन सी लेवल मतलब समुद्र तल से टू हंड्रेड मीटर ऊपर तक ही ये हो सकते हैं ठीक अब समुद्र तल का मतलब क्या होता है समुद्र तल का मतलब एक मतलब एक स्टैंडर्ड ले लिया गया है कि यहाँ से हम पूरा जितना भी है मतलब प्लेन्स हो गया प्लेट्यूज हो गया माउंटेन्स हो गया इसको इसकी हाइट को मेजर करेंगे ठीक है समझ में आ गया ये मैं पहले भी बता चुकी थी ठीक प्लेन्स के बारे में कि ये टू हंड्रेड मीटर अब द सी लेवल होता है ठीक अब देखो टाइप ऑफ प्लेन्स कौन कौन से हैं सबसे पहला क्या है एलवियल प्लेन दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय फिलिंग ऑफ लेक्स एंड अदर डिप्रेस बाय सेडिमेंट्स ये प्लेन्स कब फॉर्म होते हैं फिलिंग ऑफ लेक्स एंड अदर डिप्रेशन बाय सेडिमेंट्स मतलब सेडिमेंट्स जो लेक को फिल कर दे मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ लेक को लेक को मतलब झील को फिल कर दे तब ये फॉर्म होते हैं ठीक है ब्रॉड डाउन बाय द रिवर्स ग्लेशियर्स विंड्स एक्सेट्रा और इन सभी को मतलब रिवर्स को भी नदियों को ग्लेशियर को ग्लेशियर आपको पता है ठीक है हिमनद बोलते हैं इसको हिंदी में जहाँ मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होती है ठीक है मतलब ऐसा कि आप वहाँ पे ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन ना हो बहुत ज़्यादा ठंडा हो ठीक है विंड्स यानी हवा एक्सेट्रा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन यांग प्लेन एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ द एलवीएल प्लेन अब यांग प्लेन कहाँ पे है चाइना में है ठीक है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहाँ पे है ये कवर करता है इंडिया को भी बांग्लादेश को भी कुछ पार्ट आपका नेपाल का ठीक है और कुछ पार्ट कहाँ का चाइना का ठीक है चाइना का नहीं बोल सकते तिब्बत का बोल सकते हैं ठीक है और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं एलवीएल प्लेन के हैं ठीक डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं सम प्लेन्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो इन एरिया आर द डेल्टास कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं किसी भी एरिया में ठीक है और उसको क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं अ डेल्टा इज अ लो लाइंग एरिया ऑलमोस्ट ट्राइंगर इन सेप एट द माउथ ऑफ अ रिवर फॉर्म फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ एलिवियल एलि कैरिड बाय द रिवर सम मेजर डेल्टा प्लेस आर नाइल डेल्टा मिसिसिपी रिवर डेल्टा एंड राइनो रिवर डेल्टा मतलब कि ये जो हैं ये क्या होता है यहाँ पे एलिवियल सॉइल होती है और डेल्टा क्या होता है डेल्टा एक ट्रैंगर सेप होता है जैसे रिवर है तो रिवर जब लास्ट होता है ना रिवर का मतलब जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है तो उसके पहले क्या होता है अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो गंगा नदी है ठीक है गंगा रिवर है तो वो ऐसे बह के आ रही ठीक है ठीके? स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में होगी लेकिन जब उसका लास्ट आता है ना जब वो समुद्र से मिलने ही वाली ही होती है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड बहुत धीमे हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं सेडिमेंट समझ गए मतलब रेत वगैरह ठीक है बहुत सारे होते हैं तो इस टाइप की जो इस टाइप का जो सेप है वो फॉर्म हो जाता है ठीक है ये कुछ कुछ ट्राइंगुलर शेप का दिख रहा है ठीक है तो ऐसा कुछ फॉर्म हो जाता है ठीक ये तो यही क्या है ये डेल्टा है यहाँ पे जो रिवर की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है ठीक समझ में आ गया ठीक है अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नाइल डेल्टा मिसिसिपी रिवर डेल्टा एंड रोइनो रिवर डेल्टा का ठीक है अब देखो यहाँ पे प्लेन कैसे फॉर्म होगा प्लेन ऐसे फॉर्म होगा कि ये नदी जो है गंगा नदी अगर मैं बात करूँ तो अभी तो बहना स्टार्ट नहीं हुई ये बहुत पुराने समय से बह रही है ठीक है तो धीरे 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 आते 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 सेडिमेंट्स से यहाँ पे जमा हो गए मतलब इधर जमा हो गए और इधर भी जमा हो गए तो ये यहाँ पे अब पानी नहीं है यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्लेन है मतलब मैदान है ठीक है समझ में आ गया एंड देन द थर्ड वन इज कोस्टल प्लेन अब कोस्टल प्लेन क्या होते हैं दीज प्लेन्स हैव लो एलिवेशन राइजिंग जेंटली फ्रॉम द सोर

ठीक है धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ गया ठीक है और इसका एग्जाम्पल कौन सा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया ठीक है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे होगा इंडिया का मैप जैसे ये है ठीक है ये रफ मैंने बनाया तो ईस्टर्न मतलब ये वाला ठीक है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मतलब ये वाला यहां पे मैदान है ठीक है यहां कौन सा एरिया है ये गुजरात वाला ठीक है गुजरात हो गया राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया हरियाणा हो गया ये पूरा ठीक है ये और यहां पे क्या है यहाँ पे कौन सा है ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न पार्ट में कौन सा आता है जैसे वेस्ट बंगाल हो गया उड़ीसा हो गया ठीक है ये सब वेस्ट बंगाल में आते हैं यहाँ पे प्लेन्स हैं ठीक है थीके? तो वो कौन से प्लेन्स हैं कोस्टल प्लेन्स हैं समझ में आ गया एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स इम्पॉर्टेंस क्या है प्लेन्स की प्लेन्स सपोर्ट थ्री फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अब प्लेन्स क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं थ्री फोर्थ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है थ्री फोर्थ पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड की दिस इज बिकॉज प्लेन्स हैव द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स यहां पे क्या होता है यहां पे सुटेबल कंडीशन होती हैं जिससे कि ह्यूमन यहां पे रह सकते हैं ठीक द फर्टाइल सॉयल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नॉट ओनली प्रोवाइड्स लैंड फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो मेक इट ईजी टू बिल्ड हाउसेस कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड ले डाउन रेलवे लाइन्स मतलब यहाँ केवल ये नहीं है कि फर्टाइल सॉइल है मतलब उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पे केवल ये नहीं है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है क्यों क्योंकि नदी पास में है ये नदी से फॉर्म हुए हैं ठीक है थीके? केवल ये नहीं है बल्कि ये है कि कल्टिवेशन के लिए लैंड तो प्रोवाइड करते ही हैं और इसके अलावा यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट करना हाउस बिल्ड करना रोड कंस्ट्रक्ट करना या फिर रेलवे लाइन को ले डाउन करना मतलब बिछाना बहुत इजी होता है ठीक द कोस्टल प्लेन हैव सी पोर्ट्स हार्बर्स लेक्स एंड लेगूंस जो कोस्टल प्लेन होते हैं उसमें क्या होता है सी पोर्ट होता है हार्बर्स होता है लेक्स होता है लेगोंस होता है ठीक है लेक्स झील आप लेगन्स जानते हो ठीक है ये इसी से फॉर्म होता है मतलब लेगोंस मतलब क्या होता है जो जमीन के नीचे पानी दबा हुआ होता है ना वही उभर आता है कहीं कहीं पर ठीक है वो क्या होता है वो लेगुन्स होता है लेक्स आपको मालूम है झील हार्बर्स सी पोर्ट ये सब किस में होते हैं कोस्टल प्लेन्स में होते हैं दीज एरिया हैव फर्टाइल डेल्टा और यहाँ पे क्या होता है फर्टाइल डेल्टा होता है विच आर यूज़ फॉर कल्टीवेशन जिनका जिसका यूज़ कृषि में होता है कल्टीवेशन में होता है यूज़ ऑफ रिवर्स फॉर इरीगेशन बिकम पॉसिबल इन प्लेन्स रिवर का यूज़ इरीगेशन के लिए सिंचाई के लिए पॉसिबल है प्लेन्स में बिकॉज हियर रिवर फ्लो स्लोली मैंने बताया आपको यहाँ पे रिवर क्या होती है फ्लो होती है स्लोली दीज रिवर्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर नेविगेशन और इसलिए इन रिवर्स का यूज़ नेविगेशन में भी होता है देयर आर ग्रेटर फैसिलिटीज फॉर ट्रेड एंड मैनुफैक्चरिंग सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज आर सिचुएटेड ऑन प्लेन्स यहाँ पे ट्रेड की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है मैनुफैक्चरिंग भी की जा सकती है इसलिए जो वर्ल्ड की ग्रेट सिटीज़ हैं बड़ी सिटीज़ हैं वो इन्हीं प्लेन्स पे सिचुएटेड हैं ठीक है समझ गए पीपल एंड फॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस बहुत सारे लैंड फॉर्म पाए जाते हैं अर्थ सरफेस पे दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ह्यूमन लाइफ वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ में बट विद द टाइम वी हैव अल्टर्ड द इन्वायरमेंट इन अ बिग वे टू सर्व आर पर्पज वी हैव एक्सप्लोइिंग द लैंड फॉर्म्स एट लार्ज स्केल विच रिजल्ट इन द मिसयूज ऑफ लैंड फॉर्म्स मतलब हम लोग इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं ह्यूमन बींग इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं लैंड फॉर्म्स को जिसकी वजह से मिसयूज़ हो रहा है लैंड फॉर्म्स का ठीक है इंक्रीज पॉपुलेशन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग मिसयूज ऑफ लैंडफॉर्म्स मतलब जो पॉपुलेशन है जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है ठीक है और ये मिस यूज़ करने में बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है इसका ठीक है यानी कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा हमें लैंड की ज़रूरत होगी उतने ही ज़्यादा जंगल कटेंगे ठीक है समझ में आया ओवर ग्रेजिंग ओवर कल्टिवेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन एक्सेट्रा मैंने बताया डिफॉरेस्ट्रेशन जंगलों को काटना ठीक है इंडस्ट्रलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी खड़े करते जाना ओवर कल्टीवेशन, बहुत ज्यादा कल्टीवेट करना ठीक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू डेजर्टिफिकेशन और इनकी वजह से क्या हो सकता है डेजर्टिफिकेशन हो सकता है मतलब कि मरुस्थल बन सकता है ठीक है पानी की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है उन एरियाज में वी आर पॉल्यूटिंग द एयर एंड वाटर बाय इमेटिंग हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स मतलब हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को और वाटर को क्यों क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स इनमें डाल रहे हैं कैसे जैसे गाड़ी चलती है तो उसका धुआं निकलता है ठीक है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग करता है पॉल्यूशन करता है ठीक है समझ गए वाटर में क्या होता है सारे इंडस्ट्रीज का पानी जा रहा है नदियों में तो वहाँ से वाटर पॉल्यूट हो रहा है ठीक है दिस इज डिस्टर्बिंग द इन्वायरमेंट और इससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है इट इज़ द टाइम टू रियलाइज द नीड टू यूज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ़ नेचर सो दैट वी कैन कंटिन्यू इंजॉयिंग दैम इसलिए हमें जो ये नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है उसको हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए और कंटिन्यू इन्जॉय करना चाहिए इसके साथ में सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड देन चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सेवन आर कंट्री इंडिया अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम अपनी कंट्री के बारे में इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है इंडिया ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंडिया को ऑफिशियली क्या कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी मतलब विविधता मतलब बहुत सारी जगह पे अलग अलग होना ठीक है फिजिकली भी मतलब कहीं प्लेन्स हैं कहीं प्लेट्यूज हैं कहीं माउंटेन्स हैं ठीक और कल्चरल तो आपको पता है ठीक है यहाँ बहुत सारे त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं ठीक है इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट और ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्री है एशियन कॉन्टिनेंट में ठीक है ये एशियन कॉन्टिनेंट में है मैंने आपको चैप्टर सिक्स या फिफ्थ में बताया था ठीक है जो वर्ल्ड मैप दिखाया था उसमें ठीक इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड मतलब कि अगर मैं बात करूं एरिया वाइज ठीक है तो ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एंड पॉपुलेशन वाइज इट रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड After China. और यानी जनसंख्या यहां पे जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये second number पे है यह हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर विच इज अबाउट टू पॉइंट टू परसेंट ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ और इसका एरिया कितना है थ्री लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड का कितना कवर करता है टू पॉइंट टू परसेंट लैंड कवर करता है ठीक है द सॉफ्टी हिमालयन रेंज फॉर्म्स द नेचुरल माउंटेन वॉल वाइल द इंडियन ओशियन अब क्या है अब हिमालयन रेंज है ठीक है तो ये नेचुरल माउंटेन्स हैं ठीक है थीके? तो ये वॉल है एक तरह से वायल द इंडियन ओशियन द अरेबियन सी एंड द वे ऑफ बेंगाल सराउंडेड इट ऑन ऑल साइड तो क्या होता है इसमें इंडियन मैप में क्या है इंडिया में क्या है कि अगर मैं देखने जाऊं तो अरेबियन सी भी है इंडियन ओशियन भी है ठीक है और वे ऑफ बंगाल भी है ठीक है ये तीनों साइड से घिरा हुआ है द अनइवन प्लाट्यू सरफेस द नॉर्थन प्लेंस द ग्रेट इंडियन डेजर्ट द माउंटेंस द कोस्ट एंड आइस लैंड आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन लैंड फॉर्म्स और ये सब क्या हैं ये मेन फीचर्स ऑफ इंडियन माउंटेन इंडियन लैंडफॉर्म्स है कैसे जैसे कि माउंटेन्स हो गया नॉर्दर्न प्लेट हो गया प्लेन्स हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया ठीक है इट आल्सो हैज़ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट टाइप्स यहाँ पे बहुत सारा बहुत सारे वैरायटी हैं क्लाइमेट टाइप्स मतलब कि मौसम हर जगह का अलग अलग होता है सॉइल नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज एंड कल्चर्स यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत अलग है ठीक है हर जगह पे मतलब कई जगह पे अलग अलग है वाइल्ड अलग अलग तरह के हैं ठीक है लैंग्वेज बहुत सारी हैं ठीक बट वी स्टिल फाइंड यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी लेकिन हम इतनी डाइवर्सिटी में भी एक हैं ठीक है दिस यूनिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन फिजिकल कल्चरल सोशल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स विच बाइंड्स अस इन टू अ ग्रेट नेशन और इस तरह से ये यूनिटी जो है ये रिफ्लेक्ट करती है फिजिकली कल्चरली सोशली एंड हिस्टोरिकली और ये क्या है ये एस्पेक्ट हैं ठीक है थीके? हमें एक रूप में पानने के लिए हमारी यूनिटी के ठीक है और इंडिया को एक ग्रेट नेशन बनाने के लिए लोकेशन एक्ट एंड एक्सटेंट इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्थ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन एशिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास ऑलमोस्ट मिडवे थ्रो दिड वे थ्रो द कंट्री दैट Latitudinal extent is eight degree four minute north from Kanyakumari in the south and thirty seven degree six minute north to Kashmir in the north, and the longitudinal extent in is from the run of Kutch in the west of about sixty eight degree seven minute east to अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एट अबाउट नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट ठीक है अब ये क्या है ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपको बताया गया है ठीक है अब समझ में नहीं आ रहा देखो ये आप फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो ऑलरेडी देखो ये जो है ये क्या है यहाँ ये एरिया क्या है ये काश्मीर का है तो अगर नॉर्थ में अगर मैं किसकी बात करूँ लैटीट्यूड की बात करूँ और अगर साउथ में लैटीट्यूड की बात करूँ तो ये कितना है ये है एट डिग्री फोर मिनट ठीक है ये यहां पे ठीक है लास्ट पॉइंट की बात हो रही है ठीक है अब देखो इसी यही क्या है ये है कन्याकुमारी ठीक ये क्या है ये कन्याकुमारी है And 37 degree, 6 minute north. और ये कश्मीर में कितना है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ ठीक ठीक साउथ में कितना एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ में कितना थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट अब आपको ये तो पता है ये नॉर्थ है ये साउथ है ये क्या है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है ये डायरेक्शंस मैंने बताई थी आपको ठीक है उसी के हिसाब से आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट गिवन है ठीक है ये समझ गए आप ये क्या दिया हुआ है ठीक है एंड इन द नॉर्थ एंड एक्सटेंट कितना है रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट ऑफ अबाउट सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट ईस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एट अबाउट नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट अब एक बात बताओ अगर ये वेस्ट है तो यहाँ ईस्ट क्यों दिया हुआ है सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट ईस्ट ठीक है यहाँ पे जहाँ ये क्या है ये यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ ठीक है वेस्टर्न पॉइंट इंडिया का ठीक है उसका लॉन्गीट्यूडनल एक्सटेंट कितना है सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है यहां एकदम साइड में ठीक तो उसका कितना है नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट अब ईस्ट इसलिए दिया हुआ है जैसे कि समझो इसको जैसे कि ये है ग्लोब ठीक है अगर मैं इसके फोर पार्ट्स करूं ये ठीक है ये समझ गए ये कौन सा है ये क्या है ये मिडिल लाइन है इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं है? ये है इक्वेटर ठीक है ये है इक्वेटर ठीक और इससे क्या डिसाइड होता है आपका इससे डिसाइड होता है टाइम मैंने बताया था जब पढ़ाया था तो इंडिया जो है इंडिया यहां पे है ठीक है यहां पे है इंडिया ठीक यहां पे नहीं सॉरी हाँ यहीं पे ठीक है यहां पे है इंडिया यहां से जाती है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉन कैप्रिकॉन ठीक है यहाँ है इंडिया तो ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है ठीक इंडिया के बीचों बीच से निकलती है और यहाँ देखो ये जो एरिया है ये कहाँ पे है ये हो गया नॉर्थ ये है साउथ ये है आपका वेस्ट और ये है ईस्ट तो ईस्ट में ही है ना इंडिया वेस्ट में तो नहीं है इसलिए यहाँ पे ईस्ट यूज किया गया है समझ में आया दोनों जगह समझ में आ गया द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड थर्टी डिग्री हैज ग्रेट सिग्निफिकेंट मीन दैट द सन राइज थर्टी टू फोर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी अर्लियर इन द ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया अब ये क्या है ये टाइम डिवीज़न आपको गिवन है टाइम डिवीज़न मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो सन होता है उसकी रेज दो घंटे पहले दिखती हैं मतलब जहाँ पे गुजरात है जैसे ये गुजरात है ये कौन सा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का तो यहां पे दो घंटे पहले दिखेगा सूर्य और यहां पे दो घंटे बाद दिखेगा सूर्य ठीक है सन जो है वो दो घंटे बाद दिखेगा समझ में आ गया अब देखो इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश देन इन द एंड मोस्ट पार्ट इन इंडिया मैंने बता दिया आपको द्वारका इन गुजरात अब देखो यहां पे दो घंटे पहले दिखता है और यहां पे दो घंटे बाद दिखता है तो एक बात बताओ ये जगह का नाम क्या है ये है अरुणाचल प्रदेश ठीक है और ये है द्वारका इन गुजरात द्वारका तो आप सुना होगा आपने ठीक है तो यहां पे दो घंटे बाद दिखेगा गुजरात में और यहां दो घंटे पहले दिखेगा क्या सन ठीक अब देन नेबर्स इंडिया सेयस इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ सेवन कंट्रीज इट इज़ बाउंडेड बाय द कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट अब देखो ध्यान से देखना अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा ये वाला पार्ट देखो यह है नॉर्थ यह है वेस्ट तो ये वाला पार्ट क्या है यह नॉर्थ वेस्ट है इंडिया का ठीक है अब यहाँ देखो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो गया नॉर्थ ये है वेस्ट ठीक तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट यानी ये वाला तो यहां पे कौन कौन सी कंट्री है ये है पाकिस्तान ठीक है जो बहुत परेशान करता है यहीं से परेशान करता है वो ठीक है ये है पाकिस्तान ये है अफगानिस्तान ठीक अब देखो ये कौन सा पार्ट है ये ये क्या है ये है नेबरिंग कंट्रीज ठीक वही बताया गया है तिब्बत चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ अब तिब्बत चाइना एंड नेपाल कहाँ पे है देखो ये है नेपाल छोटा सा दिख रहा है छोटू सा एकदम ये है नेपाल ठीक है और यहाँ पे है तिब्बत और ये है चाइना ये जो ये दिख रहा है ना ये देखो ये चाइना लिखा हुआ है ये चाइना ठीक ये कहाँ पे है नॉर्थ में है ठीक अब ये देखो ये नॉर्थ नॉर्दर्न एरिया है ना ये नॉर्दर्न एरिया है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट नॉर्दर्न एरिया है तो ये नॉर्थ में है ठीक है भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट और भूटान है देखो ये है छोटू सा देश यहाँ पे आपको दिख रहा हो ये छोटा सा एकदम छोटा सा देश है ये वाला ठीक है ये जो पिंक कलर से ये इंडिया है पूरा और ये वाला जो है ये क्या है ये भूटान है ये कहाँ पे है ये नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के ठीक है बांग्लादेश एंड बर्मा इन द ईस्ट बांग्लादेश और बर्मा कहाँ पे है देखो ये है बांग्लादेश ये 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 है बांग्लादेश और बर्मा कहाँ पे है ये ठीक है ये वाला ये जो है ये नेशन है दूसरा और ये क्या है इसका नाम क्या है बर्मा नाम है ठीक है म्यांमार बोलते हैं इसको आजकल पहले बोलते थे बर्मा एंड श्रीलंका एंड मालदीव इन द साउथ अब श्रीलंका कहां पे है ये देखो ये है श्रीलंका और मालदीप कहाँ पे है यहां है यहां कहीं पे ठीक है एकदम छोटा सा है वो दिखेगा नहीं ठीक है ये क्या है ये नेबरिंग कंट्रीज है और ये कहाँ पे हो गए श्रीलंका एंड मालदी साउथ में हो गए ठीक है साउथ में हो गए समझ में आ गया ठीक

आपका श्रीलंका तो इसके बीच में क्या है इसके बीच में दो हैं स्ट्रेट कौन कौन सी पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है ठीक है समझ में गया ये जो बीच की लाइन है ना ये जो ब्लू है ये पूरा पानी है तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना यहाँ पे क्या है यहाँ पे है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास थैंक यू ठीक है ये समझ गए ना ये बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे और पाक स्ट्रेट है ये क्या है ये श्रीलंका है ये इंडिया है मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन कौन सा है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है